नमस्ते दोस्तों टी आर एस क्लिप हिंदी में आपका स्वागत है सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन एंड एंजॉय द क्लिप ठीक है मैं आपको एक ज्यादा स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा जो मुझे बहुत देर से आपको पूछना था एक्चुअली um, uh, क्योंकि आपने शेविजम के बारे में पढ़ा शेविज्म यानी कि शिवजी की स्टडीज uh, या uh, तो दो सवाल है पहले पहला सवाल कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कैलाश पर्वत को किस नजरिए से देखता है

क्या वो एक्चुअली ए एस आई की आर्क्योलॉजिकली प्रोटेक्टेड साइट है या जस्ट अ साइट ऑफ कल्चरल इंटरेस्ट है सो आई कै नॉट कॉमेंट ऑन दैट आई डोंट थिंक वहाँ पर एक आर्क्योलॉजिकल साइट uh, मानी मानी गई है बट um, अगेन मैं कॉमेंट नहीं कर सकती मेरे को मैं आप कॉमेंट करना चाहूँगी पर मेरे को एक रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी उसके लिए मैंने वो चेक नहीं किया है वहाँ पर शिव जी के बारे में मैंने क्या समझा कुछ फैक्ट्स में आपको बताना चाहती हूँ इंडिया में अगर आप सेंसिस ऑफ टेम्पल्स करें ऑफ़ टेम्पल्स की या शिवजी के स्ट्रक्चर्स वैष्णविज्म के स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स जैन स्ट्रक्चर्स की सेंसिस गिनती करें तो हमने जाना ये कि शैविज्म के सबसे ज्यादा टेम्पल्स इस देश में है विष्णु के थोड़े कम है बुद्धिज्म के थोड़े कम हैं जैनिज्म के, है, के थोड़े कम है लेकिन शिव जी के सबसे ज्यादा है दूसरी चीज मैं ऑक्सफर्ड में पढ़ने गई मेरा सब्जेक्ट था क्लासिकल इंडियन रिलीजन जो बाकायदा हमने संस्कृत में पढ़ा और एक्चुअली इंडोलॉजी कहा जाता है जो सब्जेक्ट मैं वहां पर पढ़ती हूँ और इंडोलॉजी उसको कहते हैं जो आप डायरेक्टली शास्त्रों से पढ़ते हैं अब शास्त्र सिर्फ शास्त्र नहीं ना शास्त्र तो काफी किस्म के किताब हैं जो उस समय लिखे गए थे जी। तो मैं कश्मीरी शेविज्म के बारे में पढ़ रही थी कश्मीरी शेविज्म के बारे में पढ़ रही थी जहां पर एक स्कॉलर थे अभिनवा गुप्त तो उनने जो लिखा था आ, उन्ने जो दो ट्रीटीज लिखी थी जो बहुत ही शानदार फिलोसॉफिकल इंटर, मतलब पढ़ते हुए अगर आप दो या तीन श्लोक पढ़ लेंगे आपका दिमाग थक जाएगा वो इतनी डीप लेके जाता है आपको वो शिवजी से वो शिवजी से रिलेटेड है वो शिवजी और शाक्ता से रिलेटेड शिवजी और फीमेल आ, एनर्जी से भी रिलेटेड या बट उनका कॉन्सेप्ट त्रिका का माना जाता है ये आपको विकिपीडिया तक पे भी मिल जाएगा अगर आप कश्मीरी शेविज्म टाइप इन करेंगे या त्रिका जो टी आर आई के ए से स्पेल किया जाता है गेट इन टू इट इज वेरी डीप जब हम ये टेक्स्ट पढ़ते हैं और जब हम यूनिवर्सिटी पर पढ़ते हैं तो क्या मिलता है हमें ये मैन्यूस्क्रिप्ट मिलते हैं हम इनको ट्रांसक्राइब करते हैं ये संस्कृत में रहेंगे हम या तो इनको देवनागरी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे एक फॉर्मेट में लिखेंगे फिर कभी कभी हम ये जो सारे टेक्स्ट हैं इनका एक लाइब्रेरी रहता है इनको अगर एक सॉफ्टवेयर से रन करेंगे तो कभी कभी हमें पता चल जाता है काफ़ी चीज़ें एक दूसरे से कॉपी हुई हैं बैक इन द डे ये ग्यारहवीं शताब्दी में बनिया लिखा गया था ये बारहवीं शताब्दी में लिखा गया ये शेवा टेक्स्ट है और ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है लेकिन मुझे मिला कि इसमें और इसमें तो काफी सारे श्लोक सेम टू सेम है ऐसा क्यों इंटेलेक्चुअल कंपटीशन आल्सो एग्जिस्टेड इन इंडिया जब ये सारे शास्त्र लिखे जा रहे थे शायद कुछ लोगों को पता होगा कि शंकराचार्य काफी सारे पब्लिक डिबेट्स होस्ट करते थे अगर आप रामायण भी पढ़ें या महाभारत भी पढ़ें तो क्या है इट्स अ क्वेश्चन एंड आंसर ना अर्जुन

लेकिन कमिंग बैक टू शेविज्म के बारे में मैंने क्या सीखा जब स्कॉलर्स इंडोलॉजिस्ट फ्रॉम इंडियन स्कॉलर्स वेस्टर्न स्कॉलर्स ईस्टर्न स्कॉलर्स जापान में भी बहुत ही स्ट्रॉग इंडोलॉजी की डिपार्टमेंट है क्योंकि जापान में जहाँ पर मैं पढ़ी हूँ दो साल के लिए क्यों तो यूनिवर्सिटी में वहाँ के स्कॉलर्स जो संस्कृत के माहिर संस्कृतिस्ट है माय गॉड उनके सामने मेरे को शर्म आ गई थी यानी कि जापानीज लोगों को संस्कृत आती है बिल्कुल आती है wow. आप देखेंगे हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी क्योटो यूनिवर्सिटी टोक्यो यूनिवर्सिटी लाइवसेक यूनिवर्सिटी ऑक्सफर्ड केम्ब्रिज हार्वर्ड बर्कली जस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड जस्ट ये जो मैं अपने अभी मैंने सोच के पता है इन सारी यूनिवर्सिटीज में इंडोलॉजी की इतनी स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है इतनी स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है ये संस्कृत के ये संस्कृत में आपसे नॉर्मल बात कर सकते हैं ये संस्कृत में जोक्स मारते हैं जब मैं क्लासेस में बैठी थी मेरे प्रोफेसर जो एक इंग्लिश जेंटलमैन है एमेरिट प्रोफेसर हैं ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चलेगा लेकिन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ईस्ट एंड वेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर uh, एक पद है जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक पद है आपको कुछ साल काम करने पड़ेंगे तब आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे तब आप अटॉर्नी जनरली ऑफ इंडिया बनेंगे यू you नो know, तो प्रोफेसर तो भी एक अर्नड पोजीशन है जैसे डॉक्टर एक अर्न पोजीशन है और डॉक्टर से ही आदमी प्रोफेसर बनता है तो जो प्रोफेसर वहां पर बैठे थे वो काफी सारे जोक्स भी संस्कृत में मारते थे एक्चुअली हमारे शास्त्र कुछ जोक बुक्स भी लिखे गए हैं जैसे हमारे कुक बुक्स भी लिखे गए हैं राइट ट्रैवल बुक्स भी लिखे गए हैं uh, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के बुक्स लिखी है बट कमिंग बैक टू शेविज्म जब हमने ये स्कॉलर्स ये स्कॉलर्स ने ये पढ़ा ये कंपैरिजन किया शास्त्रों के बीच में सॉफ्टवेयर में हमें ये पता लगा कि सबसे ज्यादा न कॉल इट इंस्पिरेशन या आप कह सकते कॉपी ऑफ द फॉर्मैट ऑफ फॉलोइंग पर्टिकुलर रिचुअल क्या तरीका है एक रिचुअल को करने के लिए वो शेविज्म से इंस्पायर या कॉपी किया गया है ये बस एक फैक्ट है तो दो फैक्ट मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा मटीरियल कल्चर जो इंडिया में मिला है गिनती करने के बाद वो ज्यादातर शेविज्म है सेकेंड सबसे ज्यादा टेक्स्ट जो जिस टेक्स से इंस्पायर्ड है वो शेवा टेक्स से इंस्पायर्ड टीआरएस क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों लव टू यू ऑल नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को यानी पूरे एपिसोड को उसके नीचे हमने लिंक किया है एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा